अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद अलीज़े। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़े के डोनट की रेसिपी। ये डोनट बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं और बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनने वाले हैं। इसको हम चॉकलेट सॉस के साथ सर्व करेंगे और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। ये बहुत ही लाइट से बनते हैं, तो इसकी पूरी रेसिपी देखिएगा और इसकी जो मैंने टिप्स बताई हुई हैं उनको गौर से सुनिएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है एक पैन, उसमें हम डालेंगे दूध और उसमें हम डाल देंगे चीनी। ये स्टेप इसलिए करना है कि हमने चीनी को करना है डिसॉल्व, और चीनी और दूध डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। अब अगर आपके पास जो है पाउडर शुगर है तो ये वाला स्टेप जो है आप छोड़ दें। पाउडर शुगर को हम डायरेक्ट मैदे में शामिल कर देंगे। और अब यहाँ पे हम डालेंगे खमीर। खमीर आपने तब डालना है जब चीनी को आप मेल्ट करेंगे तो दूध का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे 10-15 मिनट छोड़ देना है, और जब टेम्परेचर बिल्कुल लो हो, मतलब ये वार्म सा हो, तब आपने खमीर डालना है और इसे ढक देना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर और इसको मेल्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक अंडा और एक अंडे की जर्दी ले ली है। उसके साथ ही हम यहाँ पे लेंगे 2.5 कप मैदे के और इसको हमने छान लेना है। उसके बाद हम जो है इसमें मक्खन और हमारे जो अंडों का है वो डाल देंगे, और अब इसको हम करेंगे मिक्स। ये आटा आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपकेगा तो आपने घबराना नहीं है। हमने इसको अच्छी तरह गूंदना है। ये जैसे भी गूंदे आपने इसको लाजमी गूंदना है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जैसे मैं गूंद रही हूँ बिल्कुल वैसे गूंदें आप हथेली की मदद से। और जब ये अच्छी तरह गूंद जाए फिर आपने आखिर में जो है इसका ऑयल लेना है। ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर हम और गूंदेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि ऑयल लगाने के बाद जो है आटा एक तरफ इकट्ठा होने लग गया है। अब इसको हम थोड़ी सी मुखियाँ दे देंगे ताकि ये और भी अच्छा हो जाए, और जितना अच्छा आपका आटा गूंदा होगा उतने ही मज़े के आपके डोनट्स बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक डब्बा ले लिया है और उस पर हम ऑयल लगा लेंगे, और अपनी ये खमीर को हम गर्म जगह पे, अगर आप माइक्रोवेव में रख दें बेशक आप इसे ढक के ऊपर रुमाल डाल दें, जैसे भी कर दें, 2 से 2.5 घंटे लाजमी रखना है। और ये देखें कितना अच्छा ये फूल गया था। अब इसको हम निकालेंगे और निकाल के हम इसको थोड़ी देर जो है और गूंदेंगे। ये जैसे अब मैं स्टेप कर रही हूँ ये स्टेप आपने लाजमी करना है। ये देखें हमने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। ये आपके फिक्र ना करें, हाथ पे नहीं चिपकेगा क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया हुआ है और नीचे मैदा भी डस्ट कर दिया है। अब इसके हम 2 पीस कर लेंगे क्योंकि इतना बड़ा इसको संभालना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे बड़ा। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं या बेलन की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखें ये हो गई है हमारी बड़ी। अब यहाँ पे मेरे पास एक ढक्कन है और एक कटर है, तो हम ढक्कन से हम इसको करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये ढक्कन जो है इस वक्त छोटा लगा था, तो मैंने जो है बाद के डोनट्स जो हैं वो बड़े ढक्कन से कर लिए थे। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, और ट्रे पे हमने पहले ऑयल लगा देना है ताकि हमारे जो डोनट्स हैं वो इसमें चिपके ना। और अब इसको हम आटे को उठाएंगे इस तरीके से। ये मेरा एक डोनट ख़राब हो गया था तो मैंने उसको भी उठा दिया है, और अब हम इसको इधर ट्रे में रखेंगे। और जो हमारा यही वो वाला ही मैदा है जो हमारा इससे बचा है कटिंग होके, अब हम उससे इसकी कटिंग कर देंगे। तो जब तक हमारी यहाँ कटिंग हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें। अब यहाँ पे आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक देना है और ये और फूल जाएंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑयल का टेम्परेचर चेक। जैसे ही हम इसमें डालेंगे, और ये देखें ये तीसरा वाला जो मैंने डाला है ये किस तरह ऊपर आ गया, इसका मतलब है अब हमारा टेम्परेचर सेट हो गया है। अब आपने आंच को कर देना है मीडियम टू लो, बस मीडियम तक रखनी है, लो ज़्यादा नहीं करनी। और ये और इसको हम साथ साथ जो हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहेंगे, इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि जो है हमारे डोनट जो हैं वो एक साइड से जले ना। और इस तरह करने से हमारे डोनट जो हैं वो फूलेंगे भी ज़्यादा। तो आप ये देख सकते हैं ये कितने अच्छे हो गए हैं। हमने बस इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना।
तो मैं इसी तरह सारे डोनट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। ये डोनट्स की परफेक्ट रेसिपी है, इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम जो है एक एक करके डोनट्स को अब इसमें निकाल लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं हमारा डोनट कितना अच्छा लग रहा है, ये ठंडा होता है तो फिर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारा डोनट्स कितना ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो मैंने इसको चॉकलेट सॉस के साथ सर्व किया है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है एक चॉकलेट और उसमें डाला है हमने दूध, मक्खन और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। ये डालने के बाद हमने इसको पकाना है तब तक जब तक हमारी चॉकलेट जो है और मक्खन जो है, ये सारी चीज़ें हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। तो ये देखिए हमारी ये चीज़ें पकना शुरू हो गई हैं। अब अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको अगली कुछ रेसिपीज़ में मैं आपको घर में चॉकलेट बनाना सिखा दूँगी, तो आप उस रेसिपी से भी चॉकलेट बनाएं और या इस रेसिपी से बनाएं, जैसे मर्जी बना लें। तो अब हमने कांटा लेना है और कांटे पे हमने लगाना है डोनट्स और इस तरह इसको हमने कर लेना है कोट। ये देखें, ये मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये बहुत आसानी से कोट हो जाएगा और आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे। तो अब हम इस पे थोड़े से स्प्रिंकल्स कर देते हैं, इससे ज़रा डोनट की लुक बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने सारे डोनट्स पे इसी तरह कोटिंग कर ली थी और अब हम इस पे स्प्रिंकल लगा लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह के लगाना चाहते हैं या आप दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। और मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।